गाइस नमस्ते, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम है प्रियंका एंड आज के इस वीडियो में हम करने वाले एक ह्यूज अमेज़न हॉल। इतना ज्यादा मेकअप स्किन केयर खरीदा है मैंने, स्पेशली आप लोगों ने जो रिकमेंड किया था ना कि दीदी ये वाला ट्राई करो, सबके मिनी रिव्यूज आपको आज मिलने वाले हैं। ये लुक जो मैंने क्रिएट किया है, अपने स्पाइसी ज्यूसी क्यू एंड ए वीडियो में, सारे इसमें से जो न्यू प्रोडक्ट्स थे उसी को यूज करके। तो अगर आपको डिटेल्ड एप्लीकेशन देखना है ना तो वो वाली वीडियो जरूर जाके चेकआउट करना, बड़ा मजा आएगा आपको। बट यस, आज का वीडियो हम जल्दी से शुरू कर देते हैं एंड देखते हैं कि यहाँ पे हमने क्या क्या पिक किया है। बहुत ही ह्यूज अमेज़न हॉल है एंड आई हैव सम बॉम्ब रिकमेंडेशंस फॉर यू। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं ज्यादा बकबक किए बिना, बिकॉज आपको भी बकबक करके बोर नहीं करना है, खुद को भी नहीं। तो चलो जल्दी से वीडियो शुरू करते हैं। फर्स्ट थिंग दैट आई हैव गॉट इज दिस रिक्विल का अल्ट्रा मैट ड्राई टच सनस्क्रीन जेल। यू रिक्विल के स्किन के प्रोडक्ट्स, स्पेशली उनका सनस्क्रीन जेल, काफी टाइम से मैंने देख रही थी, बहुत लोग बोल रहे थे अच्छा है। अनबॉक्सिंग आपके सामने, बिल्कुल ऑनेस्टली सच, ये नहीं कि आपको मैं ऐसे बस डब्बा दिखा के बोल दूंगी अरे बहुत अच्छा है, नहीं भाई। मुझे विश्वास है कि हमारी जो कम्युनिटी है ना, इसमें अगर हम ऑनेस्ट रहेंगे एक दूसरे से तो ही फिर इसका फायदा है, अदरवाइज ऐसे झूठ वूठ बोल के कोई फायदा नहीं है। तो मैं हमेशा कोशिश करती हूँ 100% ऑनेस्ट रहने की आप लोगों से। सो अभी मैंने इसको अनबॉक्स किया है। नॉन कॉमेडोजेनिक है, ऑल स्किन टाइप्स के लिए, SPF 30, PA 4+, अच्छी बात है, UVA प्रोटेक्शन के साथ। अभी छुएंगे तो पता चलेगा कैसा सनस्क्रीन है। बाकी इसकी पैकेजिंग कुछ ऐसी सी है, सारे लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होंगे। इसकी काफी अच्छी रिव्यूज है अमेज़न पे, तो आई वाज रियली एक्साइटेड टू ट्राई दिस वन एंड अभी निकाल लिया है थोड़ा सा। यहाँ पे हाथ के पीछे ट्राई करके देखते हैं। आई थिंक ये ना मिनरल सनस्क्रीन होगा, वाटर रेसिस्टेंट है, परफेक्ट अंडर मेकअप भी है और परफेक्ट IR, जो कि लैपटॉप से जो ब्लू रेज निकलता है उससे भी प्रोटेक्ट करता है, इंफ्रारेड। अभी है क्या, आई थिंक मेरे को फील तो ऐसे हो रहा है छूके कि ये ना मिनरल सनस्क्रीन है, बट जो भी है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूंगी। बट इमीडिएटली एकदम मैट फॉर्म में मेल्ट हो गया स्किन में, यानी बिल्कुल सच में मैट है, डेफिनेटली जो उन्होंने बोला है कि ये मैट है तो ये मैट है। बाकी सन प्रोटेक्शन अगर SPF 50 और PA 4+, और जिस हिसाब के इसके रिव्यू हैं उस हिसाब से लग रहा है कि काफ़ी अच्छा होगा। बाकी डिटेल रिव्यू मैं एक शॉर्ट वीडियो में बहुत जल्दी दूंगी, जब मेरे पास अपना खुद का इसका रिव्यू होगा कि कैसा है ये, थोड़ा इनाफ ट्राई कर लूंगी तब। नेक्स्ट अप गाइस, सेकंड प्रोडक्ट हमने अगेन रिक्विल का पिक किया है एंड इसको मैंने भी ट्राई किया था इस वीडियो में, सेरामाइड एंड हाइलुरोनिक एसिड मॉइस्चराइजर। अगेन दिस वाज वन ऑफ द बेस्ट सेलिंग प्रोडक्ट्स फ्रॉम देयर रेंज एंड इसमें सेरामाइड है, मैंगो बटर है, हाइलुरोनिक एसिड है। दिस रिस्टोर्स ड्राई टू वेरी ड्राई स्किन एंड दैट वॉज द रीजन कि मैंने ये प्रोडक्ट को पिक किया, क्योंकि मैं अभी ड्राई टू वेरी ड्राई स्किन जो है ना उसके ऊपर मैं देखना चाहती थी कि क्या प्रोडक्ट्स अच्छा वर्क करेंगे। दिस इज अ वेरी थिक मॉइस्चराइजर, स्पेशली अगर आपकी नॉर्मल स्किन भी है, विंटर में आपको इस तरह का मॉइस्चराइजर बहुत हेल्पफुल लगने वाला है। इसको ब्लेंड करोगे स्किन में, चिपचिपा बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल लाइट वेट है, बट ये ड्राई टू वेरी ड्राई स्किन को क्यों, क्योंकि इसमें सेरामाइड है, हाइलुरोनिक एसिड है, हाइलुरोनिक एसिड एटमॉस्फेयर से मॉइस्चर कैप्चर करता है, सेरामाइड आपके बैरियर को रिपेयर करता है। तो बहुत ही अच्छा है इसका जो एक इंग्रेडिएंट लिस्ट है एंड लगा के तो बड़ा अच्छा फील हुआ। बहुत ही लाइट वेट है बट बहुत इंटेंसली आपको मॉइस्चराइज करेगा स्किन को, स्पेशली अगर आप ड्राई नॉर्मल स्किन, वेरी ड्राई स्किन को बिलोंग करते हो, ये वाला जरूर चेकआउट करना, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है। अगर अभी तक यहाँ तक वीडियो अच्छी लग रही है या आपको कुछ भी अच्छा लग रहा है ना इस वीडियो के बारे में, तो प्लीज लाइक कर देना, क्योंकि बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, आप लोग के लाइक्स मेरे लिए सब कुछ है, आपके लिए शायद वो मतलब एक एक्स्ट्रा एफर्ट है, बट जब आप लाइक करते हो ना तो मेरे को बहुत अच्छा लगता है, मुझे पता चलता है वीडियो आपको पसंद आई और इसी के लिए तो यार हम वीडियोज बना रहे हैं। और सब्सक्राइब करके हमारी फैमिली का पार्ट बन जाना, जल्दी से हमारी PG फैम में शामिल हो जाना, 100K जल्दी से करने हैं, साथ में सेलिब्रेट करना है। तो यस, चलिए आगे मुड़ते हैं नेक्स्ट प्रोडक्ट की तरफ, जो कि एक मेकअप प्रोडक्ट है एंड ये काफी मैं देख रही थी हर जगह यूट्यूब इंस्टाग्राम पे कि ये कोम्बुचा स्किन शॉट रेवोल्यूशन का जो प्राइमर है काफी दिख रहा था मुझे। नाउ इसको आज के वीडियो में मैंने ट्राई किया था, जो मैंने Q&A वीडियो शूट की है, आप जरूर चेकआउट करना, उसको लिंक कर दूंगी मैं आई बटन में या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। दिस इज सच अ हाइड्रेटिंग प्राइमर, इसको जो मैंने ऐसे लगाया ना स्किन ऐसे लगा कि बिल्कुल पानी से धो लिया, मतलब बहुत हाइड्रेट कर दिया इसने स्किन को। और अभी भी आप देख सकते हो काफी देर हो गया है मेकअप किए, बट स्किन कितना इंटेंसली ऐसे हाइड्रेटेड लग रही है ना, काफी अच्छी लग रही है। तो उस हिसाब से मेरे को बहुत ही अच्छा लगा ये प्राइमर।
एंड मैं आपको हाईली रिकमेंड करूंगी, स्पेशली ना ये सीजन के लिए तो ये बहुत ही अमेजिंग है. इनफैक्ट समर में भी ये बहुत ही वॉटरी और लाइट वेट प्राइमर है एकदम, एंड मेरे को बहुत पसंद आया. जरूर चेकआउट करिए, शादी सीजन आ गया ना अभी तो सबको ही मेकअप खरीदने का मन कर रहा है, तो जरूर चेकआउट करिएगा. द नेक्स्ट प्रोडक्ट वी हैव इज फ्रॉम स्विस ब्यूटी एंड ये उनका ब्लिस पीच ब्लश है. काफी अफोर्डेबल रेंज में आ जाता है, बट ये वाला जो शेड है ये फेयर टू मीडियम स्किन के लिए अभी मैंने अप्लाई कर रखा है. मेरी स्किन में देख सकते हो बस यही वाला ब्लश है, नो कॉन्टोर नो हाईलाइट, बस ये वाला ब्लश है. एंड ये जो ब्लश है गाइज दिस इज वेरी वेरी नाइस, बहुत ही पाउडरी है, बहुत अच्छे से ब्लेंड हो गया, ब्लेंड करने में दिक्कत नहीं हुई एंड दैट वाज अ ग्रेट थिंग अबाउट इट. इसमें काफी शेड्स अवेलेबल है, तो अगर आप डीपर डस्की स्किन टोन से आप एक डीपर स्किन टोन वाला शेड भी पिक कर सकते हैं, डीपर कलर भी पिक कर सकते हो, बट ये वाला शेड मेरे को काफी अच्छा लगा एंड इसका फॉर्मूला जो है, इसका जो पिगमेंटेशन है वो भी मुझे काफी अच्छा लगा. सो दिस इज द नेक्स्ट पिक. फोर्थ वन जो है दैट इज अ रीपर्चेज एंड इसको मैंने ऑलमोस्ट 1 ईयर से ज्यादा यूज किया एंड देन आई रीपर्चेज इट. इट इज अ लॉरियल इनफेलिबल फुल वेयर कंसीलर. ये मेरा लास्ट वाला जो है ऑलमोस्ट खत्म हो चुका, आई थिंक उसमें 1-2% प्रोडक्ट अब बाकी होगा. नो ये कंसीलर 849 का है बट ये आपको 1.5-2 साल चल जाएगा, मतलब आराम से. मैं तो वो बंदी हूँ जो बहुत फ्रीक्वेंटली मेकअप करती हूँ एंड दिस इज दैट वॉट कंसीलर जिसमें मेरा हाथ सबसे पहले जाता है, मतलब सबसे पहले मेरा दिल अगर करता है ना मैं ये कंसीलर लगाऊँ तो इसी को मैं सिलेक्ट करती हूँ. 312 जो है शेड मेरे लिए परफेक्ट है. इसमें 3-4 शेड्स ही है विच इज अ ड्रॉबैक, बट अगर आपको अपना शेड रेंज मिल जाता है देन इट्स वेरी गुड. बहुत अच्छा कंसीलर है, बिल्कुल जो हाई एंड टार्ट वगैरह के कंसीलर होते हैं ना उसका बहुत बैंग ऑन ड्यूप है, हाई कवरेज. इसको लगा के मतलब इसे फाउंडेशन की जरूरत नहीं पड़ती, सारे स्पॉट्स कवर हो जाते हैं, तो बहुत ही ब्यूटीफुल कंसीलर है. इसको तो मैं हाईली रिकमेंड करूंगी इतने टाइम तक यूज करने के बाद, कि अगर मेरा कोई फेवरेट कंसीलर है दैट हैज टू बी द लॉरियल इनफेलिबल कंसीलर. अगले प्रोडक्ट की तरफ आगे बढ़ते हैं विच इज अगेन अ रीपर्चेज एंड दिस इज फ्रॉम द पिंक फाउंड्री. नो ये उनका ओवरनाइट एक्ने स्पॉट करेक्टर है, ऐसा एक मारियो बडिस्को का भी आता है बट वो काफी एक्सपेंसिव है एंड दिस वन इज नॉट दैट एक्सपेंसिव, दिस वन इज वेरी अफोर्डेबल. इसको मैंने रीपर्चेज किया है, बहुत सारे लोगों ने एक रील देखी होगी जिसमें मैंने लगा के टेस्ट किया था, शॉर्ट्स देखे होंगे मेरे कि कैसे मेरा पिंपल सूख गया था, मेरे को बड़ा अच्छा लगा था बट वो गिर के ना उसकी लिक्विड बह गई, तो मैंने दोबारा रीपर्चेज किया है. इसमें बस आपको एक कॉटन टिप को ऐसे, मतलब जो ईयरबड्स होते हैं ना उसको अपने डिप करना और पिंपल में ऐसे लगा के छोड़ देना ओवरनाइट, आपका पिंपल अगले दिन तक सूख जाएगा. बिल्कुल ट्राइड एंड टेस्टेड है एंड मेरे को बहुत पसंद आया. थर्ड चीज है कि इतना महंगा भी नहीं है मारियो बडिस्को की तरह, तो अफोर्ड करना भी आसान है. सो दिस इज द नेक्स्ट प्रोडक्ट अ रीपर्चेज. आगे बढ़ते हैं अगले प्रोडक्ट की तरफ विच इज दिस फेस मेकअप रिमूवर. नाउ दिस इज द थर्ड टाइम आई गॉट दिस बॉटल, मेरा सामने ही रखा है टेबल पर जिसपे इतना बाकी है. अगर कोई क्लेंज क्लैम मेकअप रिमूवर ऑयल है जिसको मैं एब्सोल्युटली बहुत ज्यादा पसंद करती हूँ वो है फेस शॉप का राइस वाटर ब्राइट. जो लोग मुझे बहुत टाइम से फॉलो कर रहे हो उन्होंने हमेशा ही मुझे देखा होगा इसके बारे में बात करने में. ये महंगा है बट एक इन्वेस्टमेंट है, आप एक बार खरीदोगे आप 1-1.5 साल चलाओगे, ये वैसी वाली चीज है. तो ये इसका प्राइस है कुछ 1190, लेकिन द बेस्ट पार्ट इज कि अमेजोन पे आपको सस्ता मिल जाएगा, आपको काफी डिस्काउंट पे मिल जाएगा, अराउंड 800-900 तक आपको मिल जाएगा. हो सकता है कुछ अच्छी सेल चल रही हो तो और डिस्काउंट पे मिल जाए, लिंक डाल दिया है अभी चेक कर लेना क्योंकि सेल चल रही है. तो काफी अच्छा प्रोडक्ट है, ये मेकअप पूरा रिमूव कर देता है. मैंने दुनिया जहान के बहुत सारे मेकअप प्रोडक्ट्स रिमूवर्स ट्राई किए हैं बट अगर कोई एक चीज है ना जो मेरा मेकअप A to Z रिमूव कर देता है वो ये चीज है एंड मुझे ये काफी ज्यादा पसंद है. तो अगर आप एक अच्छा मेकअप रिमूवर ढूंढ रहे हो, आप इन्वेस्ट करने को तैयार हो, तो दिस इज डेफिनेटली वर्थ ट्राइंग. नेक्स्ट अप मैंने प्लम के कुछ मेकअप प्रोडक्ट्स लिए हैं. द फर्स्ट वन इज दिस प्लम सॉफ्ट ब्लेंड वेटलेस फाउंडेशन. नाउ ये जो फाउंडेशन है गाइस दिस इज अ लॉन्ग लास्टिंग मैट वेयर फाउंडेशन एंड ये फाउंडेशन वेटलेस भी है. अगेन मैंने इसका यूज किया है इस वाले वीडियो जो मैंने आपको बताया कि मैंने वीडियो में ही अप्लाई किया है. शेड मेरा गलत है 110Y है. अभी ये काफी ऑक्सीडाइज हो गया है मुझे से लग रहा है और काफी मेरे स्किन टोन में ब्लेंड हो गया है, बट जब मैं इसको लगा रही थी तो ऐसे लग रहा था कि बिल्कुल व्हाइट फाउंडेशन मैं अपने फेस पे लगा रही हूँ और बहुत अजीब लग रहा था, बट अभी ये काफी ऑक्सीडाइज हो गया. स्टिल ये शेड मेरे लिए सही नहीं है, ये तो पता चलेगा शायद जब मेरा टैन निकल जाएगा गोवा वाला, बट
फाउंडेशन बहुत अच्छा है, आप देख सकते हो कितना अच्छा जो एक ग्लोई फिनिश इससे आ रही है, काफी इजीली ब्लेंड हो गया। ये बेस्ट आपके ब्यूटी ब्लेंडर से ही ब्लेंड होता है, काफी शेड्स में अवेलेबल है, तो स्वाचेस देख लीजिए। बहुत सारे लोग मुझसे पूछते हैं कि दीदी मैं फाउंडेशन कैसे पिक करूं ऑनलाइन, मुझे समझ में नहीं आता। देखो गलत शेड तो मैंने भी पिक कर लिया, बट मैंने जो मेथड फॉलो किया था कि मैंने अपने स्किन टोन से मिलते हुए, जैसे मालविका सितलानी का स्किन टोन मेरे से काफी मिलता था, तो मैं उसके जो शेड के रेफरेंसेस होते थे ना वो पिक कर लेती थी और हमेशा मेरे लिए मैक्सिमम वेज में मैच कर ही जाता था। तो उस तरीके से आप किसी इन्फ्लुएंसर्स को देखिए जिसका आपको लगता है आपका स्किन टोन मैच करता है, उससे आप एक उसका रेफरेंस मंगाइए कि अच्छा इसने ये शेड यूज किया, मैं एक बार मंगा के देखती हूँ, कोई बहुत महंगा वाला नहीं, कोई सिंपल सा, एंड देन अगर मैच हो जाए तो फिर यू कैन फॉलो दैट इन्फ्लुएंसर फॉर ऑल योर शेड रेफरेंसेस, ठीक है ना। तो दिस फाउंडेशन इज रियली गुड, इसमें पंप भी आता है, अफोर्डेबल के साथ साथ काफी अच्छा भी है, बट जस्ट ये कि शेड मेरे लिए गलत हो गया, काफी लाइट आप देख ही सकते हो, है ना। तो बाकी अदरवाइज सब चीजें बहुत अच्छी है। इनका मैंने कंसीलर भी ट्राई किया, कंसीलर भी बहुत अच्छा लगा मुझे, मतलब ये वाला जो कंसीलर है प्लम का, मामाअर्थ का भी कंसीलर कुछ ऐसा ही दिखता है गाइस, बहुत मिलता जुलता है मामाअर्थ का कंसीलर, बट वो थोड़ा और लाइट कवरेज है, इसका कवरेज उससे थोड़ा सा ज्यादा है, बट फुल कवरेज तो ये भी नहीं है। तो अगर आपको एक मीडियम कवरेज कंसीलर चाहिए तो आप ये प्लम का कंसीलर देख सकते हो, अच्छा है, डिसेंट है, ठीक है। नेक्स्ट अप गाइज, मैंने प्लम का कॉम्पैक्ट पिक किया है, प्लम का लेजिट मैट SPF 15 कॉम्पैक्ट, कुछ इस तरह के बैक बॉक्स में आता है, नेचुरल बेस शेड पिक किया है, 525 रुपीज का है, तो महंगा है, बट आपको अमेजोन पे आपको डिस्काउंट पे मिलेगा। अभी चलो इसको ट्राई करते हैं, मैंने इसको अभी तक ट्राई नहीं किया, अभी देखते हैं कि मेरे फेस को ये मैट सेट कर पाता है भी कि नहीं। आई थिंक दिस वॉज द बेस्ट टाइम, तो सेट तो हो रहा है मैट। कवरेज तो है, कवरेज है इसमें, कोई कोई कॉम्पैक्ट होता है ना लगाओ तो पता ही ना चले, वैसा नहीं है, कवरेज इसमें है, कवरेज तो है, अच्छा है, बहुत लाइट वेट है, सही है। फर्स्ट इंप्रेशंस लाइक्ड इट। नेक्स्ट अप गाइस, इस हॉल का जो लास्ट प्रोडक्ट है वो है बायोटिक का, मैंने अपना फेशियल किट दोबारा मंगाया है, बहुत ही ज़्यादा मुझे ये पसंद है एंड मंगा लिया है, इसको मैं काफ़ी सालों से यूज़ करती आ रही हूँ, 2-3 साल पहले मैंने इसका हाउ टू डू फेशियल वीडियो भी डाला था, तो अगर आपको घर पे फेशियल करना है या किसी से करवाना है तो ये किट आप जरूर ट्राई करिए, बायोटिक का गोल्ड फेशियल किट, और आपको काफ़ी पसंद आएगा। सो दैट इज ऑल ओवर टुडेज हॉल वीडियो, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो आपको सबसे अच्छा कौन सा प्रोडक्ट लगा, किसको आप जरूर के जरूर ट्राई करोगे, एंड नेक्स्ट वीडियो कौन सी चाहते हो, जो भी मर्जी यार कुछ भी दिल से कमेंट कर दो, मैं आप हर ना कमेंट का स्क्रीनशॉट लेकर अगले वीडियो में एक रैंडम कमेंट को पिक करके शोकेस करूंगी कि इस बंदे का कमेंट ऑफ द डे है, तो आप जरूर कमेंट, अगर भूल गए थे तो प्लीज रुक के अभी लाइक कर दो, फ्री है बिल्कुल मुफ्त, बट मुझे बहुत खुशी मिलेगी, और हमारे पीजी फैमिली जल्दी से आ जाओ, गले लग जाओ, एंड लेट्स डू 100K वेरी सून, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर, बाय, लॉट्स ऑफ लव, हग्स एंड किसेस, स्टे होम, स्टे हेल्दी, स्टे सेफ, स्टे होम तो अब नहीं होने वाला, बट स्टे सेफ एंड स्टे हेल्दी, बाय।